हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि रिलायंस के लिए एक बुरी न्यूज़ बात करें यहाँ पर कस्टमर्स के लिए यहाँ पर बुरी बेकार न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है जिस वजह से यहाँ पर अगर हम बात करें रिलायंस का स्टॉक्स कल की डेट में यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे सकता है तो कल क्या होगा कौन सी न्यूज़ है क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा? पड़ेगा तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा और पॉजिटिव उसके साथ क्या क्या है तो उस चीज से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल

बट जैसे कि न्यूज का इम्पैक्ट मार्केट में बहुत जल्दी होता है कोई भी न्यूज आ, अच्छी आती है तो स्टॉक तो भागने लग जाता है और बुरी न्यूज आती है तो यहाँ पे गिरने लग जाता है आप जैसे कि जानते ही है तो कल देखते हैं कि क्या होता है बट अगर हम यहाँ पर बात करें कौन सी न्यूज है वो हम बात आगे भी आगे बढ़े बात करेंगे बट अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए एक अच्छे खासे चार्ट पैटर्न इसका शेयर का है और गिरावट की बात करें तो बीच बीच में गिरावट यहाँ पर शेयर में आती रहती है बट यहाँ पर अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात करें तो जिस तरीके के इसके प्लान्स है ये कंपनी

कर दिया जाता है तो वो एक अच्छी न्यूज़ नहीं होती जिस वजह से यहाँ पर हम देखें तो मार्केट में वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है और वहाँ पर शेयर में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई देती है तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर कल की डेट में मंडे की डेट में जब ये शेयर यहाँ पर ओपन हो तो थोड़ा सा यहाँ पर रहिएगा सावधान रहिएगा ताकि यहाँ पर किस तरीके की भी गिरावट पर पर आ सकती है बट अगर हम नीचे जाते हैं और पढ़ते हैं कि क्यों डिले हुआ है तो यहाँ पर ये यह डिले होता हुआ दिखाई दिया है जस्ट बिकॉज यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट में चिप की शॉर्टेज है तो यहाँ पर चिप की शॉर्टेज की वजह से भी यहाँ पर इस फोन पे यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है और एज वेल एज अगर हम यहाँ पर देखें

पर बट तो के, के दे देखते हैं कि ये फोन चलेगा या नहीं चलेगा इट विल डिपेंड ऑन द टाइम अगर हम यहाँ पर बात करें ये पर, पर्टिकुलर जो भी जियो की सर्विसेज है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर फोन में यहाँ पर दिया जाएगा जियो ऐप जैसे कि सावन एंड ऑल एज वेल एज हम यहाँ पर बात करें आ, कल की डेट में यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहिएगा इसके अलावा अगर हम देखे तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट हो के मंडे को शायद यहाँ पर कुछ परसेंटेज एशिया पर गिर सकता है बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखिए कल की डेट में एक और न्यूज आई थी जहां पर अगर हम देखे जियो बीपी पार्टनर जियो तो बीपी का मतलब क्या है ब्रिटिश पेट्रोलियम इन दोनों ने यहाँ पर टाइप करके किया है किसके साथ ब्लू स्मार्ट के साथ ट्रू सेटअप ईवी चार्जिंग इंफ्रा इन इंडिया तो आप मतलब पूरे इंडिया में ओवरऑल अक्रॉस इंडिया अगर हम बात करें यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और आपको पता ही है भारत कितना ईगर

शेयर की तो देखिए सोलह सोलह लाख करोड़ के आसपास की, की यहाँ पर मार्केट कैपिटल है तो इंडिया की नंबर वन बड़ी इंडस्ट्री हम यहाँ बात करें कंपनी है नजर आती है पी थर्टी के थर्टी थ्री का पी आरोना खास नहीं है बट बात करें डेट की फोर्टी वन परसेंट का इनका पास डेट भी है बट अगर हम बात करें इनके पास इतना पैसा है की डेट को कभी भी चुका सकते हैं कोई शेयर यहाँ पर प्लेज नहीं है दस रुपए की यहाँ पर फेस वैल्यू है आपको आगे चल के शायद स्प्लिट भी आता हुआ दिखाई दे सकता है क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिये यहाँ पर हमेशा बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं घटते हुए नजर नहीं आए हैं इस बार भी आ, अगर बात करें एक लाख चालीस हजार करोड़ के आसपास का यहाँ पर रेवेन्यू हुआ है ईयरली बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर देखिए ईयरली बेसिस पे पांच लाख छह लाख पांच लाख अठारह हजार छह सौ बीस करोड़ का यहाँ पर सेल्स होती हुई दिखाई दी है पिछले बारह महीने की ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो लगभग अड़तालीस हजार

यहाँ पर हिस्सेदारी रखते हैं तो इनके घर के जितने भी हिस्सेदार है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं एफ की बात करें पच्चीस परसेंट डीआईस की बात करें यहाँ पर थर्टीन परसेंट एज वेल एज गवर्नमेंट की पब्लिक की बात करें इलेवन परसेंट की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अलावा हम बात करें रिलायंस की तो रिलायंस यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको बताया था ये एक चार्ट पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा था जो कि हमें ट्रिपल बॉटम है चार्ट पैटर्न है जो कि ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है कभी भी यहाँ पर एक तरीके का ब्रेकआउट ही था यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ब्रेकआउट था थोड़ा बहुत ही भागा इसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन पे चल रहा है मार्केट भी थोड़ी फ्लैट चलती हुई नजर आ रही है आ, कुछ और अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी कल की डेट में शायद यहाँ पर मंडे के हो यहाँ पर शेयर को गिरा सकते हैं बट जैसे जैसे यहाँ पर ये सारी की सारी न्यूज आती हुई दिखाई देगी एक से बढ़कर एक जो की न्यूज आ रही है और ये जो इनका कैपेक्स का प्लान है ये कैपेक्स धीरे धीरे यहाँ पर यूटिलाइज हो मतलब

बट जिनके पास पैसा होता है पैसे से पैसा बनता है आपको सुना ही है तो यहाँ पर रिलायंस जहाँ यहाँ पर छोटी सी कंपनी थी फिर जियो आया जियो ने और बढ़ाया रिटेल आया उसने और बढ़ाया बड़ी बड़ी कंपनी इनके साथ टाई अप कर रही है तो उन सभी का फायदा इस कंपनी को होता हुआ दिखाई देगा और ये शेयर आपको शूट होता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर ऊपर की ऊंचाई ऊंचाई और केवल ऊंचाई को छूटता हुआ दिखाई देगा तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए और यहाँ पर धीरे धीरे ऐसा शुरू कर दीजिए ये पैसा आपको बना के देगा तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना है और यहाँ पर हमारी वीडियोज़ को जाकर देखिए सीखिए ताकि पैसा बनता हुआ न चलाए सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस